नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत लगातार मजबूत स्थिति में पहुंचता जा रहा है। इस बीच एक अच्छी खबर ये है कि पुणे के भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बच्चों पर कोवोवैक्स वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल बुधवार को शुरू हो गया है। अभी ये ट्रायल 7 से 11 साल तक की आयु के बच्चों पर किया जा रहा है। आपको बता दें, कोवोवैक्स को सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, जो यूएसए में विकसित नोवावैक्स कोविड-19 वैक्सीन का संस्करण है। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संजय लालवानी ने बताया कि बुधवार को 7 से 11 साल के बच्चों पर कोवोवैक्स के दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल शुरू किया गया है। वैक्सीन के इस ट्रायल के लिए 9 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू ये ट्रायल चालू हो गया है। इट इज़ पीडियाट्रिक एज ग्रुप 2 ईयर से लेकर 17 साल तक है। हमारी जितनी जानकारी है, ऑल ओवर इंडिया 9 सेंटर्स है और अनुमान से 1000 बच्चों को एनरोल करना है। जब ऐसी फेज 2/3 की ट्रायल होती है तो वो एज डी एस्केलेशन ट्रायल होती है, यानी पहले 11 से 17 साल के बच्चों में 100 लोगों का एनरोलमेंट हुआ, अभी 7 साल से 11 साल के बच्चों का 100 लोगों का एनरोलमेंट होगा और फिर उसके बाद 7 साल से नीचे 2 साल तक होगा। तो मेरे ख्याल से अगले 2 या 2.5 महीने में ये 1000 बच्चे जो एज ग्रुप ऑफ 2 साल से 17 साल तक एनरोल किए जाएंगे और ये फेज 2/3 ट्रायल है। हमारे इंस्टीट्यूट में, भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, कल ये फेज 2/3 ट्रायल चालू हुई। एज ग्रुप जिनको हमने एनरोल किया है वो 7 साल से 11 साल है और आज कल 2 दिन में, आज और कल में 9 बच्चों को इस ट्रायल में एनरोल किया गया हुआ है। हर एक बच्चा जो एनरोल करना चाहता है उसके पेरेंट्स को पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसका ऑडियो विजुअल कंसल्टिंग किया जाता है और उसके बाद वो बच्चे का RT-PCR किया जाता है और ब्लड एस्टिमेशन कोविड एंटीबॉडी के लिए किया जाता है। लेकिन रिपोर्ट कुछ भी आए, हाँ, वो बच्चे के अगर कंसेंट मिली तो उसको फर्स्ट डोज ऑफ कोवोवैक्स दिया जाता है इंट्रामस्कुलरली और सेकंड डोज उसको 3 हफ्ते के बाद दिया जाएगा। और हर एक पार्टिसिपेंट बच्चा जो इस ट्रायल में एनरोल होगा उसके 3 ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, बेसलाइन जिस दिन पहला डोज देते हैं उस दिन, सेकंड डोज जब 21 दिन का देते हैं तभी, और 36 दिन के बाद तीसरा ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। उससे ये अनुमान किया जाएगा कि वो वैक्सीन देने के बाद वो पर्टिकुलर बच्चे में एंटीबॉडीज़ का प्रमाण कितना आया हुआ है और वो उसके एफिकेसी का सरोगेट मार्कर होता है। बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन का ट्रायल भारत में शुरू हुआ और इस उम्र के बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए उम्र 2 साल से लेकर 17 साल के बीच है। कोवैक्स वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की जायकोव डी के बाद बच्चों पर ट्रायल की जाने वाली तीसरी कोविड वैक्सीन है। भारत की केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विश्व विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि सीरम कंपनी को 7 से 11 साल की उम्र के बच्चों पर कोवोवैक्स वैक्सीन के ट्रायल की इजाज़त दी जानी चाहिए, जिसे मान लिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।